नमस्कार दोस्तों, आरसीएन जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न भर्तियों से संबंधित जानकारी दी जाती है। कोई भी जानकारी हो सही एवं संक्षिप्त में आपको देने का प्रयास किया जाता है। जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर सरकारी नौकरी से जुड़ी यूपी, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान की 10 बड़ी खबरें चल रही हैं। उन 10 बड़ी खबरों को ध्यान से पढ़िए और समझिए, क्योंकि इस वीडियो में आज हम विशेष रूप से उत्तर प्रदेश टीईटी परीक्षा 2019 के 5 विवादित प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका मैटर कोर्ट में विचाराधीन है। 5 विवादित प्रश्नों के नंबर मिलेंगे या नहीं, इस पर तो जो कोर्ट का निर्णय होगा वही सर्वमान्य होगा, लेकिन जो भी जानकारी है, अगली सुनवाई कब तक है, इन सब के बारे में पूरी जानकारी सही और संक्षिप्त में मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, इसकी मत करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किस प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब करना है आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी से उत्तर प्रदेश टीईटी परीक्षा 2019 की 5 प्रश्नों के उत्तर गलत होने को लेकर दाखिल याचिका पर 3 दिन में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी ने अखिलेश की याचिका पर अधिवक्ता सीमान सिंह को सुनकर दिया है। कोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी से हलफनामे के माध्यम से याची की आपत्ति पर स्पष्ट जवाब देने को कहा है। याची 8 जनवरी 2020 की उत्तर प्रदेश टीईटी परीक्षा में शामिल हुआ, जिसकी आंसर की 13 जनवरी 2020 को जारी हुई। याची ने ए सीरीज में हिंदी खंड 2 के प्रश्न संख्या 35, खंड 5 के प्रश्न संख्या 124, 139 व 144 के उत्तरों पर आपत्ति की, लेकिन इसके निस्तारण बगैर आंसर की जारी कर दी गई। याचिका के अनुसार प्रश्न अनुच्छेद 356 का प्रयोग देश में कब होने के 4 विकल्प में जम्मू कश्मीर 1956, केरल 1957, बिहार 1958 व मध्य प्रदेश 1957 थे। याची ने पहले विकल्प जम्मू कश्मीर 1957 को चुना, जबकि आंसर की में केरल 1957 को सही विकल्प माना। एक अन्य प्रश्न के उत्तर विकल्प में याची ने सरसों को पुलिंग माना, जबकि आंसर की में संतान को पुलिंग माना गया। इसी प्रकार से 5 प्रश्न विवादित हैं। अब आप लोग अपनी राय दीजिए, क्या जो 5 प्रश्न विवादित हैं, क्या 5 प्रश्नों पर नंबर मिल सकता है, आपकी क्या राय है? अगर 5 प्रश्नों के नंबर आपको मिलते हैं तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं? आप सभी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगली सुनवाई 12 से 15 के बीच में होगी। आगे कोई भी जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। अगर इस केस में विजय होती है तो आप लोगों को 5 नंबर का बेनिफिट हो सकता है।